हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेलोसिटी क्या चीज़ है। व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज, आप बताइए, कोई बता सकता है वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन या चेंज इन टाइम। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसकी जो रेशियो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या नेट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारी वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब जैसे मैं बोलता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ जाती है, यहाँ पहुँचती है, ये इसकी पोजीशन ए हो गई और ये इसकी पोजीशन बी हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। अब इसकी, इसको टाइम लगा, मान लिए इसको लगा 10 सेकेंड्स, यहाँ से ए से बी जाने में इसको लगा 10 सेकेंड्स। अब आप मुझको बताइए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी ए से बी जाने के लिए। तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया आपका? ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मैं x मीटर मान लेता हूँ, दिस इज़ x मीटर, और उसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा 10 सेकेंड टाइम, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, x मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, x मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अच्छा, और एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई कार है, ये कार है ये जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको वेलोसिटी की तरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ईस्ट हो गई इसकी डायरेक्शन, तो दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन, इन दोनों को जोड़ के बनता है वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, तो ये तो बात हो गई वेलोसिटी की। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई बस 40 किलोमीटर पर आवर की तेजी से जा रही है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? क्या उसे वेलोसिटी बोल सकते हैं? उसमें उसको हम वेलोसिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि उस केस में डायरेक्शन जो है वो मिसिंग है, उस केस में डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम वेलोसिटी नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, और तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसमें, तो वो वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ स्पीड ही कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज़ है। रिलेटिव का मतलब कि रिलेशन में, किसी एक दूसरे के प्रति रिलेशन में या को रिलेशन, यानी कि रिलेशन या को रिलेशन में क्या चीज़, दो चीज़ें तो कम से कम होनी चाहिए, तभी को रिलेशन या रिलेशन बनेगा। एक बात समझ लो, रिलेटिव का मतलब कि कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को कंपेयर कर पाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? एक की वेलोसिटी दूसरे के प्रति क्या है, या दूसरे की वेलोसिटी पहले के प्रति क्या है। चलो मैं समझाता हूँ। मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बना ली मैंने, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो इस तरफ जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसी लेन पे, उसी सड़क पे एक दूसरी ऑब्जेक्ट है, वो जा रही है 40, इसको एरो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इस, इनकी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी हो गई, दोनों में डायरेक्शन जुड़ गई, ये भी इस डायरेक्शन, ये भी इस डायरेक्शन, तो ये हो गया वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बन गया वेलोसिटी। अब ये कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट ए, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया मैंने ऑब्जेक्ट बी। अब आपने खुद गौर किया होगा, कभी आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, जब आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है, साथ में दूसरी ट्रेन एक जा रही होती है, तो आपको लगता है कि जो दूसरी ट्रेन है उसको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं लगता? और जबकि उसके उलट, जैसे आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन
दूसरे ट्रैक से आ रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तब आपको लगता है फटाफट निकल गई, ऐसे नहीं लगता। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जो परसेप्शन हो जाती है, वो रिलेटिव वेलोसिटी का उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। समझो बात को, दोनों ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो ए में जो पैसेंजर बैठा होगा, ए में जो पैसेंजर बैठा होगा, उसको लगेगा जो बी वाली ऑब्जेक्ट है उससे 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे निकलती हुई नहीं दिखाई देगी, बल्कि उसको दिखाई देगी कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे निकल रहा है बी, ए को ऐसा लगेगा। जबकि बी में जो पैसेंजर बैठा होगा उसको लगेगा कि जो ए वाला पैसेंजर है वो पीछे जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, उससे पीछे जाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ क्यों, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी मैं बोलता हूँ ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूँगा वी ए माइनस वी बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी को लगेगा जो ए है वो 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पीछे की तरफ जा रहा है। देखिए ए की वेलोसिटी क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, बी की क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, इनका डिफरेंस आया -10 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन का मतलब उल्टी दिशा में, जब मैंने इस वाली दिशा को पॉजिटिव लिया है तो उसके जो ऑपोजिट होगी वो नेगेटिव दिखाई, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आपको यहाँ जाती हुई दिखाई देगी तो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि वो नेगेटिव हो गया, इसको नेगेटिव 10 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर पर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी हो गई ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, बी जो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और ए जो 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी 40 है, इसकी 30 है, तो बी को लगेगा जो ए है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, तो उसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, यानी कि वी बी माइनस वी ए। वी बी की वेलोसिटी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में, वी ए की है 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में, इसका डिफरेंस आ गया +10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि प्लस मतलब ईस्ट डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया है तो 10 किलोमीटर। तो ए को लगेगा कि जो बी है 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे निकल रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी डिफरेंस हो जाता है वेलोसिटी का। हमें लगता है कि जो दूसरा है, जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं, हमें लगता है कि जो दूसरा है बहुत धीरे से आगे निकल रहा है, एक ये परसेप्शन जो है वो डिफरेंस इन वेलोसिटी की वजह से हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, जब सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें मूव कर रही होती हैं। अब बात करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन की। अगर मैं बोलता हूँ ये एक कार है, इसी को ले लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर पर ये जा रही है यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में, और ये वाली जो है, ये वाली कार है, ये जा रही है देखो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में, ये जा रही है वेस्ट में, ये जा रही है ईस्ट में, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अब मैं पूछता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पहले तो लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो बॉडी का नाम पहले बोले जा रहा है वो पहले आएगा। इसको वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, अच्छा एक चीज़ समझ लो, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो आप, ईस्ट को लेना चाहते हो या वेस्ट को लेना चाहते हो। चलो ईस्ट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वेस्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव लेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज माइनस 30 किलोमीटर पर आवर, माइनस कर देंगे। वी भी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, वेस्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो माइनस 30 माइनस 40 माइनस 70 किलोमीटर पर आवर,
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जो बी को लगेगा कि जो ए है वो 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है भागता हुआ। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, बी को लगेगा जो बी में पैसेंजर बैठा है कि जो ए है तेजी से 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि उसके उलट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लेंगे, माइनस वी ए क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है, माइनस 30 किलोमीटर पर आवर लेंगे, माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अब क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, तो मेरा आंसर आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ए को लगेगा कि जो बी है 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, बात समझ आई। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस हो जाती है, डिफरेंस हो जाता है उसका। तो इसलिए हमें जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन जाती है, जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, ट्रेन ऐसे जा रही है दूसरी, ऐसे लगता है फटाफट से निकल गई, जबकि सेम डायरेक्शन में जो पैरेलल ट्रैक्स में सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो हमें लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है ऐसे निकलने में। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का, व्हेन बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज, वाइल ऑन द अदर साइड व्हेन बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन वी विल ऐड देम। तो एकदम से वेलोसिटी बहुत तेज लगेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा अब, ठीक है, चलिए, थैंक यू।